न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील स्थित पहाड़िया ग्राम पंचायत में आज एक मामला सामने आया, जहां पर पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए पूर्व सरपंच के द्वारा पीएम आवास के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यहां पूर्व सरपंच के चपरासी का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें चपरासी के द्वारा ग्रामीणों के पीएम आवास फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जिस दौरान चपरासी के द्वारा पीएम आवास के फॉर्म भरे जा रहे थे, उसी दौरान किसी जागरूक ग्रामीण ने पूरी घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब ग्रामीण पूर्व सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 जून को आचार संहिता लागू कर दी गई थी। वहीं पंचायत चुनाव में नेताओं ने अपनी अपनी कमर कसते हुए क्षेत्र में जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांगने का काम भी शुरू कर दिया। ऐसे में कुछ नेता क्षेत्र की जनता को लुभाने के लिए कई तरह के चुनावी वादे भी कर रहे हैं। नेता अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील क्षेत्र अंतर्गत पहाड़िया ग्राम पंचायत से, जहां पर क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए पूर्व सरपंच के द्वारा किया गया एक कारनामा सामने आया है। रायपुर करचुलियान स्थित पहाड़िया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच शंकर दयाल पॉल पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले भर में जहाँ आचार संहिता लागू है, वहीं इसका उल्लंघन करते हुए हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच के कहने पर उसके चपरासी के द्वारा ग्रामीणों को लुभाने के लिए झूठे आवास योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हम तुम्हें पैसे भी देंगे और इसके बदले तुम्हें हमें सिर्फ वोट देना होगा, जो कि सरासर गलत है। वहीं ग्रामीण अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर जब मीडिया ने कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की तो उनका कहना था कि मामले की जानकारी उन्हें मीडिया से प्राप्त हुई है और अगर पूर्व सरपंच के द्वारा ऐसा कुछ करवाया जा रहा है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मामले में वायरल वीडियो की जांच करवाई जाएगी, जिसके बाद सही पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कहाँ है सूची? दिखावा ना सूची, तू तो फार्म भर रहे है। ये तू नाम लिखे है या जौन या तरुण तिवारी या सब लिखे ला है, कहाँ है आवाज? बात करावा सेक्रेटरी से। हेलो, बात करावा ना आवाज तो के फार्म तो तू भरते ला है, चुनाव चल रहा है, 20 दिन के चुनाव को बचे हैं, तू अब ये कह रहे हैं योजना आचार संहिता लगी हुई है तो इसमें फॉर्म कोई नहीं भराया जा सकता, सरकारी काम सब बंद है, तब भी ये अपने गांव के पंचायत के सरपंच जो है तो पब्लिक को झूठे प्रलोभन दे करके उनको ये बता रहा कि आवास देंगे तुमको, तुम्हें पैसा देंगे, तुम वोट दो, अगले पंचवर्षीय तुम्हें जो नहीं मिला है वो देंगे। एकदम गलत है और आपसे ये जानकारी मुझे मिली है, आप इसके डिटेल्स मेरे से शेयर कर दीजिएगा और आपके पास कोई इसके संबंध में न्यूज़ या वीडियो या कोई बात होगी तो वो भी मेरे को आप भेज दीजिएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। मेरी जानकारी में आप बता रहे हैं सही मिला है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सर कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना? निश्चित रूप से, तभी तो मैंने कार्रवाई की बात कही। फर्जीवाड़ा चल रहा है, वोट लेने के लिए राजनीति हो रही है और आचार संहिता में किसी का फॉर्म नहीं, सभी से पैसे उगाहे जा रहे हैं और विभ्रमित किया जा रहा है। इस बात को चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए।